ऋषियों ने 6 प्रश्न किया, किं श्रेय शास्त्र सारस्यक स्वावतार प्रयोजनम, किं कर्म के अवताराश्च धर्म कम शरणम गतः, इत्येते सूत मुद्दिश्य खट प्रश्नाः मुनिविकृता। सोनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज इस संसार में सबसे बड़ा श्रेय क्या है, मैं ये सुनना चाहता हूं। नंबर 2, शास्त्र का सार क्या है, और नंबर 3, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। नंबर 4, किं कर्म, कौन सा कर्म करने के बाद भगवान को समर्पित किया जाता है। के अवताराश्च, भगवान के कुल कितने अवतार हैं, और धर्मम कम शरणम गतः, ये 6 प्रश्न किया। धर्म किसकी शरण में गया, इत्येते सूत मुद्दिश्य खट प्रश्नाः मुनिविकृता। सूत जी को सब ऋषियों ने 6 प्रश्नों को बताया, ये 6 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारस्य सैव ही। कृष्ण की भक्ति परम श्रेय है, और शास्त्र का सार भी भगवान कृष्ण की भक्ति ही है। प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान के अवतार का प्रयोजन केवल सज्जनों की रक्षा करना है। और कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, कर्म जो होता है सृष्टि करने के लिए होता है। और अवतारा ह्यसंख्य, भगवान के असंख्य अवतार होते हैं जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता। और धर्मो भागवती स्त्रिया, जो धर्म है वो भगवान में स्थित है। चतुर्णामत्र शेषस्य तृतीये उत्तरम कृतम, 4 प्रश्नों का उत्तर तो दिया, 2 प्रश्नों का उत्तर द्वादश स्कंद में देंगे। सज्जनों, श्री सूत जी ने सोनकादि ऋषियों से कहा, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र पुराणम सर्व शास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा कृतम, ब्रह्मा ने सबसे पहले पुराणों की रचना किया। अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्य विनिर्गतः, और इसके बाद वेदों की रचना किया, इसलिए वेद का बड़ा भाई पुराण है। वेद का बड़ा भाई पुराण है, पुराण माने होता है पुराणि अंतकरणानि जीव हृदयानि अनति अन्नते उज्जीवयति इति पुराणम, जो अंतकरण में पाप हैं उन पापों को निकाल कर जो बाहर कर देता है उसका नाम पुराण है। अथवा अंदर छिपे हुए ज्ञान को जो उच्छलित कर देता है, निस्तरित कर देता है उसका नाम पुराण है। अथवा अंदर छिपी हुई भक्ति को निकाल कर जो जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत कर देता है उसका नाम पुराण है। जो लोगों के हृदयों को भगवान से परिपूर्ण करे उसका नाम पुराण है। सज्जनों, परिपूर्णत्वात् पुराणम् एवं पुराणम्, परिपूर्ण होने के नाते नाम तो पुराण है लेकिन हमेशा नया ही बना रहता है, ये कभी पुराना होता ही नहीं है। पहले भी नया था और आज भी नया है। यह परम धर्म को उपदेशित करता है। सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, धनंजय हाटक सम परीक्षा, महारणे शस्त्रभिताम परीक्षा, विपत्तिकाने गृहणी परीक्षा, विद्यावताम भागवती परीक्षा। सोने की परीक्षा कसौटी से होती है, और वीरों की परीक्षा रणांगण में होती है, और विपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है, विपत्ति काले गृहणी परीक्षा। जब विपत्ति आए और पत्नी भी साथ दे तो समझ जाना चाहिए वो पतिव्रता नारी है, और विपत्ति काल में पति को छोड़कर चली जाए तो समझ जाना चाहिए वो पतिव्रता नारी नहीं, वो उल्टा नारी है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है।
इसलिए श्रीमद भागवत के बारे में लिखा हुआ है, व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, राजा जानता है कि नहीं, लेकिन श्रीधर स्वामी श्रीमद भागवत शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं नरसिंह भगवान की कृपा से। सज्जनों, यह श्रीमद भागवत शास्त्र संसार के लोगों को मुक्ति देने के लिए ही प्रकट हुआ है। जो कोई श्रीमद भागवत शास्त्र का एक मंत्र भी सुन लिया है, एक भी मंत्र सुन लिया है, वो कभी फिर संसार सागर में नहीं आ सकता, वो नरक में गिर नहीं सकता।